एक मिनट के लिए रुके थे भाई, क्या व्यू था यहाँ की सबसे हॉन्टेड। भाई ये अकेले नहीं है, ये पूरा झुंड है। ।2018 में मैं गया था जहां अब जा रहा हूँ, और 2018 से 2022 चार साल बाद जा रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखी होगी मेरी एक कुछ वीडियो स्वाला लोहा घाट की, वो अबाउट माउंट वो शूट करी थी 2018-19 की बातें हैं ये। तो अभी फिर से जा रहे हैं वहीं पहाड़ों पे और देखते हैं भाई मौसम कैसा हो रहा है। वैसे तो अभी तो यहाँ तो भाई दुनिया भर की गर्मी है, आई होप वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। बाकी अपनी जो मंजिल है ना वो यहीं से दिख रही है, वो देख लो पहाड़ जो कि इतने खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं पे जाना है मैं। जितनी पास ये दिख रहे थे ना उतने हैं नहीं, अभी भी 10 किलोमीटर बचे हैं और 10 ही किलोमीटर शायद हम 10 या 15 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। ऐसा लग रहा था अभी पास में ही है 3-4 किलोमीटर पे, अभी भी ऐसे लग रहा है। देखो सामने वे आ गए, वे आ गई रे। अरे सीधा चढ़ाओ ऊपर, इम्पॉसिबल ही है। तो ये वही रेंज है, बस यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। आगे सामने पहाड़ है, जंगल भाई इतना डेंस है ना, 5 मीटर भी अंदर 10 मीटर भी नहीं देख पाओगे। सो यहाँ पर ना एक मिनट के लिए रुके थे भाई, क्या व्यू था। और यहाँ से बस अब पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा एक मिनट यहाँ रुकते हैं। और वोरी रोड और ये पूरा जंगल, और ये भी पूरा जंगल में आता है काफ़ी हाइट तक ना, पहाड़ जंगल में ही रहेगा ये कन्वर्ट। लेपर्ड्स हैं ऊपर, और जो ये सीके भाई बता रहे हैं ऊपर टाइगर भी है। जो वो टाइगर है ना उनको मेलबर्न टाइगर बोलते हैं, मलयान टाइगर वो क्या होते हैं ये वाले का। ये ऊपर यार जो ऊपर जो टाइगर्स है ना हिल्स वाले, उनका वेट इतना नहीं होता जितना इनका होता है। मतलब ये होते हैं ऑलमोस्ट 300-350, मेल टाइगर 400 kg, वो 150-200 kg के होते हैं। तो मैं कभी फोटो दिखाऊंगा नहीं, नहीं ये मैंने खुद इसके बारे में देखा ना, चंपावत के जो तुम बता रहे हो ना टाइगर वहाँ रहता है वो अलग है। पलायन वाले जो टाइगर है ना वो जाके अटैक करते हैं। वो रामनगर से चंपावत गई थी और चंपावत में पीछे पीछे वो गया था। ओके अच्छा मैं कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे ना, कुछ बंदे एंजॉय कर रहे हैं, एक नंबर मजेदार दिखाता हूँ। यही कल हमने आते देखे थे, ये देखो ये देखो ये नहा रहे हैं इधर, यही तो घूम रहा था, मजे ले रहे हैं भाई लाइफ के। और ये पूरा जंगल, ये नदी में अभी खैर पानी वानी तो है नहीं, यहाँ पे अभी भी हाथी हो सकता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हाथी, मतलब इस रेंज में ना हाथी सबसे ज्यादा है। और रात को ना रोड बंद कर देते हैं, ये मतलब आप ऊपर जंगल की तरफ जा नहीं सकते। अगर ऊपर कोई फंस गया है पहाड़ पे तो वो आ सकता है, लेकिन यहाँ से वापसी जा नहीं सकते। यहाँ देखते हैं भाई ये जंगल है, ये देखो इधर की साइड भी ये जंगल है भाई पूरा। देख रहे हो इधर की साइड भी पूरा जंगल है। और नदी तो खैर क्या है, सूखी बड़ी है नदी, तो क्या ही दिखाऊं आपको। नदी तो इस टाइम पूरी सूखी हुई है देख लो, और क्या कलर्स आ रहे हैं है ना। बस अब अंधेरा होने वाला है, और आगे जितना भी व्लॉग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, क्योंकि ऊपर हॉन्टेड वीडियोस को शूट करने जा रहे हैं अपन। तो हो सकता है मुझे ये व्लॉग यहाँ पर भी एंड करना पड़े, और कंटिन्यू भी करूं वो आपको पता चल जाएगा। पहले नंबर पे था ना भाई, रोड देख के ना मतलब प्राउड फील हो रहा है कि सीरियसली यार रोड तो है ना हर जगह ऐसी, मतलब लगता है वर्थ है यार
सोचना नहीं पड़ता आपको, है ना, यहाँ पर कि आपके पास एसयूवी होनी चाहिए, आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए, वो गाड़ी होनी चाहिए, जो है आपके पास लेके आ जाओ। रोडे देखो यार, क्या रोड बनाई हुई है, हिल्स पे हम चढ़ चुके हैं। सनसेट होते हुए देख लो भाई, कितना खूबसूरत, कितना रिलैक्सिंग है। मैं तो बहुत मिस कर रहा था, पता है, मैं बहुत टाइम से हिल्स पे नहीं गया, आपने देखा होगा मैं बहुत टाइम से हिल्स पे नहीं गया। लास्ट हिमाचल गए थे 2 महीने पहले, आपके लिए होंगे सिर्फ अभी 2 महीने पहले तो गया था, लेकिन भाई मेरे लिए 2 महीने है, ठीक है, हर महीने मेरे को जाना है। मेरा ना माइंड ब्लॉक हो जाता दिल्ली में बैठे बैठे, भाई कम से कम सर्विस चाहिए होती है इसको 5-6 दिन की, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि क्या मेंटल थेरेपी, वीकेंड थेरेपी मतलब जंगल के अंदर नो नेटवर्क और एकदम, क्या बताऊं मैं यार, कितनी साफ, मतलब हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, मजा आ जाता है। ये जो है यहाँ का वीकेंड थेरेपी स्पॉट है, हर संडे यहाँ पे कम से कम नाना करते करते 30-40 गाड़ियाँ यहाँ पे कम से कम होती है मिनिमम हर संडे। अच्छा। और इस एरिया में 1 किलोमीटर तक स्विमिंग पूल बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे, हाँ ऊपर तक, और ऊपर झरने भी हैं बहुत तगड़े तगड़े, 1 किलोमीटर ट्रैक करके लोग जाते हैं, वहाँ मैगी वैगी पकाते हैं, अपना खाना वाना पकाते हैं, बहुत बढ़िया फुल एंजॉयमेंट वाली जगह है यहाँ पे। मतलब इतने सारे स्विमिंग पूल हैं छोटे छोटे बना के, बहुत सारे मज़ेदार जगह है। गाइस व्यू देखो, गाइस ये देखो, क्या है ना, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता बिकॉज फॉग हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा जंगल, पूरा नीचे ये, उधर जो है वो है टनकपुर और वो है शारदा नदी, जिसको आप काली नदी भी बोलते हो, और काली नदी पे बना हुआ एक बहुत दूर वो पुल दिखाई दे रहा है, आँखों से आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, लेकिन बहुत दूर देखो रोड़े हैं और वहाँ पे से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। और दूसरी बात तो एक हम जो आए हैं वो ज़्यादा, सनसेट हो चुका है, लाइट पूरी जा चुकी है, लेकिन फिर भी ऑसम व्यू, ख़तरनाक व्यू, और जिस चीज़ के लिए आए थे ना, गर्मी से छुटकारा, वो मिल गया फाइनली। अब चलते हैं सीधा ऊपर, थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है कई पैचेस पे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ट्रैफिक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम पहुंच गए हैं चंपावत, और एनर्जी हो गई थी डाउन, तो यही मिला है अपने को ऑप्शन एनर्जी अप करने के, बाकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पर आगे ना, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत सूदिंग सी जगह है ये, बहुत बढ़िया। सो भाई फाइनली 2:30 बज गए और शूट अपना डन हो गया, 3 से 4 वीडियो बनाने आए थे, लेकिन भाई इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, इतना ज़्यादा थक गए, और जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, पता नहीं वो बाद में डलेगी, पहले डलेगी, लेकिन दारियल वन पे और सीके के चैनल पे वो वीडियोस आएंगी, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब। मतलब 4 साल में आज पहली बार हमारे जो रिएक्शंस निकले हैं, हम डर के मारे गाड़ी के अंदर एक दूसरे के ऊपर भागे हैं। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, अब यहाँ से पहुँचने में भी 3 घंटे दिखा रहा है, 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में, और 2 रातों से सोए नहीं है, बस बैड दिखाई दे रहा है यार अपना, भाई इतनी देर से चल रहे हैं हम, और है ना एक गाड़ी नहीं दिख रही हमारी गाड़ी के अलावा फिर अभी मैंने बाद में मेरे को ध्यान आया कि वो नीचे से रास्ता ही बंद कर देते हैं, मतलब शाम होने के बाद आप ऊपर नहीं आ सकते, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। कौन सी रोड, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि फुल मतलब एडवेंचर हो रहा है, फुल एडवेंचर, इतनी
प्यारी रोड पे, इतनी देर से कोई अकेला नहीं, मतलब हम अकेले चले जा रहे हैं। वाह, ये देखो भाई सीआर है, सीआर भागते हुए जा रहे हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है कितना, 2:10, और ये वो रास्ता शुरू होता है, इसका नाम है ललवा पानी। ललवा पानी आगे है। अच्छा, ये यहाँ से शुरू नहीं होता? यहाँ शुरू नहीं है, मतलब चंपावत से बेसिकली रास्ता कटता है ललवा पानी के लिए। ललवा पानी के लिए, तो अब ललवा पानी जहाँ से शुरू होता है वहां से आपको मिलता हूँ मैं। ये देखो, ये प्रॉपर घर बने हुए, मतलब कॉलोनी है ये। कॉलोनी को पार करते हुए हम जाएंगे उस रोड पे जो कि यहाँ की सबसे हॉन्टेड रोड मानी जाती है। यहाँ से स्टार्ट है? कितने दूर है? फिर भी बस स्टार्टिंग है, फिर भी ऐसी लाइट बंद हो जाएगी। बस कचड़े का ढेर सा। ये गाइस देखो, यहाँ पे ना हाथी की अभी बहुत तेज साउंड आई, तो हमने कहा भाई ये हाथी ये आवाज आई है आसपास, हो सकता है तो वो देखो रहा, और हम काफी दूर डिस्टेंस पे हैं उससे, क्योंकि भाई ये सबसे खतरनाक है। तो यहाँ पे मैं ना वीडियो शूट के लिए आना था हॉन्टेड, जो कि अब कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये टस्कर है भाई। और भाई ये अकेले नहीं है, ये पूरा झुंड है, देख लो आप। रिकॉर्ड हो रहा है? दिख रहा है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सर। ये देखो इतने सारे हाथी यहाँ है, वो जा रहे अंदर, काफी दूर है भाई ये हमसे। आप देख रहे होंगे एकदम से ये कहाँ पे आ गए हम, तो भाई इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी ना, सीधा एक होटल लिया और सोए। अभी उठ के मैंने देखा, तो मैंने देखा भाई मैंने एंड तो करा ही नहीं इस ब्लॉग का, तो इस ब्लॉग का एंड यहाँ पे करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी नींद में हूँ तो सोता हूँ। गुड नाइट।